अंबिकापुर के दरीबा थाने के अंतर्गत सैकड़ों महिलाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी किए जाने वाले राजेश गुप्ता के साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिन महिलाओं ने राजेश गुप्ता के भरोसे बैंकों से पैसे लिए हुए थे, अब उन बैंकों के कर्मचारी महिलाओं के घर पहुंच रहे हैं और बैंक की किश्त पटाने का दबाव बना रहे हैं। इससे परेशान सैकड़ों महिलाएं सरगुजा कलेक्टर संजीव झा के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। महिलाओं ने ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें लोन की किश्त के लिए परेशान किया जा रहा है, बल्कि आरोपी राजेश गुप्ता की संपत्ति कोर्ट करके उसके पैसे बैंक को दे दिए जाए। समस्या है कि हम लोग का पैसा ठग के ले लिया है राजेश गुप्ता और पैसा नहीं दे रहा है। अब क्या समस्या हो रही है? पैसा पटाने में दिक्कत हो रहा है हम लोग को। कहाँ से पटाएंगे हम लोग? कितना पैसा लोग लिए होंगे? कहाँ से? 100 से ऊपर है गरिमा से। अब क्या चाहेंगे उनका? जैसे मान लीजिए जेल हो गया है तो पैसों के लिए सर लोग परेशान कर रहे हैं। सर लोग बैंक के माइक्रो फाइनेंस वाले क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि हम लोग का पैसा किसी भी तरह मतलब कट जाए और अभी के लिए फिलहाल के लिए सर को थोड़ा रोका जाए। एग्रीमेंट बोला कि मेरा पूरा संपत्ति से भुगतान किया जाएगा, अगर किसी भी कारण कुछ भी हो जाता है तो मैं अपना पूरा संपत्ति को बेच के आप लोग को दूंगा। तब हम लोग के मेरे खुद घर से दिया हूँ, मैं भी खुद दिया हूँ और इतना परेशान है, ये तो पूरा चीज़ जेल चला गया है और सर लोग जितना प्राइवेट बैंक वाले हैं सब परेशान कर रहे हैं आके।